स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज के वीडियो के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है सॉइल। लेकिन उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा लाइव बैच 1 अक्टूबर से चालू होने जा रहा है और उसके रजिस्ट्रेशंस कल से ही चालू हो चुके हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बैच अवेलेबल है। अभी तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं, सीट्स लिमिटेड है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि कई टीचर्स जो इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि वो लोग स्टूडेंट और पेरेंट सेक्शन जो दो हैं वो अपने आप को पेरेंट सेक्शन के अंदर रजिस्टर ना करें, वो स्टूडेंट सेक्शन के अंदर ही रजिस्टर करें। और दूसरा, कई सारे बच्चों को ऑनलाइन पेमेंट्स करने के अंदर यदि कोई दिक्कत आ रही है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर चालू है, उसके ऊपर फ़ोन करके और आप पूरी हेल्प ले सकते हैं। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए। पढ़ते हैं आज सॉइल यानी कि मृदा। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि सॉइल जो मृदा का अध्ययन होता है उसको हम पेडोलॉजी कहते हैं, मृदा विज्ञान। क्या कहा मैंने? मृदा का अध्ययन यानी कि पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल, ऑलराइट। और पेडोजेनेसिस क्या होता है, मृदा जनन क्या होता है, मृदा का निर्माण। तो दोनों में फर्क है। पेडोलॉजी का मतलब होता है मृदा का अध्ययन और पेडोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, मृदा का निर्माण। तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी, मृदा का निर्माण पेडोजेनेसिस, क्लियर। अच्छा, ये जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया है, याद रखना जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। और 1 इंच मृदा निर्माण में लगभग 500 से 1000 साल लग जाते हैं। तो अब आप सोचो कि अपने जंगल काट दिए और यदि सॉइल इरोजन होता है और मृदा कटकर चली जाती है तो सोचो कि 1 इंच मृदा निर्माण में 500 से 1000 साल लग जाते हैं। यदि आपने वृक्षों की कटाई कर दी और मृदा जो है वो कट कट कर बारिश के दिनों के अंदर यदि जाती है तो सोच लो कि प्रकृति को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। भूमि की जो ऊपरी उपजाऊ सतह है उसको मृदा कहते हैं, याद रखना। भूमि की जो ऊपरी उपजाऊ सतह होती है, जो अपर लेयर होती है जिसमें कई सारे कार्बनिक पदार्थ आदि प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। तो भूमि की ऊपरी सतह को, भूमि की ऊपरी उपजाऊ सतह को मृदा कहते हैं। कई बार जब बाढ़ वगैरह आती है, राइट, फ्लड्स आते हैं, तो ये ऊपरी उपजाऊ मृदा जो होती है वो बहकर चली जाती है और भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं मैं कि मृदा निर्माण आखिर होता कैसे है, आखिर मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा का निर्माण कठोर चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है, मीन्स द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द विदरिंग ऑफ द रॉक्स। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने, मृदा का निर्माण कठोर चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है। और ये जो चट्टानों का, कठोर चट्टानों का जो अपक्षय है, ये भौतिक हो सकता है, रासायनिक हो सकता है या जैविक हो सकता है, इट मे बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो चट्टानों के अपक्षय से मृदा का निर्माण होता है, अपक्षय भौतिक, रासायनिक या जैविक हो सकता है। आर यू गेटिंग ऑन नाउ? अब देखो कि निर्माण के आधार पर, क्या कहा मैंने, निर्माण के आधार पर मृदा दो प्रकार की होती है। कि मृदा का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, मृदा का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, उस आधार पर मृदा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अपशिष्ट मृदा, जिसको कि हम बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल, और दूसरी जो होती है वो होती है वाहित मृदा, या जिसको कि हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जैसे कि नेम शो कर रहा है, अपशिष्ट मृदा, रेजिडुअल सॉइल। जब चट्टानों के अपक्षय से मृदा कण बनते हैं, ये तो आप सब जानते हो, चट्टानों के अपक्षय से जो मृदा कण बनेंगे, यदि वह मृदा उसी स्थान पर रहे और कहीं बहकर ना जाए, ठीक है, तो उसे अपशिष्ट मृदा कहते हैं। सेडिमेंट्री सॉइल भी कह सकते हो आप, रेजिडुअल सॉइल या सेडिमेंट्री सॉइल। वापिस से बोल रहा हूं, चट्टानों के अपक्षय से जो मृदा कण बनते हैं, यदि वे मृदा कण उसी स्थान पर रहे जहां पर बने हैं वहां पर ही रहे, तो ऐसी मृदा को हम क्या बोलते हैं, अपशिष्ट मृदा कहते हैं,
जिसको कि हम अंग्रेजी के अंदर रेजिडुअल सॉइल के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं वाहित मृदा की, जैसे कि नेम शो कर रहा है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, राइट, निर्माण स्थल से जब मृदा किन्हीं कारकों के द्वारा, अभी बताऊंगा कौन कौन से कारक हो सकते हैं, निर्माण स्थल से, क्या कहा मैंने, निर्माण स्थल से जब मृदा किन्हीं कारकों द्वारा अन्य स्थानों पर पहुंच जाए, वापिस से बोल रहा हूं, निर्माण स्थल से जब मृदा किन्हीं कारकों द्वारा अन्य स्थानों पर पहुंच जाए तो उसे क्या कहते हैं, वाहित मृदा कहते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेड, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने वाली। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक इओलियन मृदा कहते हैं, इओलियन मृदा हिंदी में भी उसको वही कहते हैं ना, इओलियन मृदा। इओलियन मृदा क्या होती है, हवा द्वारा लाई गई मृदा। तो बताओ वाहित मृदा होगी कि नहीं, ट्रांसपोर्ट हुई ना, हवा के द्वारा ट्रांसपोर्ट हुई। तो इओलियन मृदा क्या होती है, हवा द्वारा लाई गई मृदा। हवा द्वारा लाई गई मृदा क्या है, इओलियन मृदा है। कोलुवियल मृदा, गुरुत्व द्वारा लाई गई मृदा, गुरुत्व द्वारा लाई गई मृदा को क्या बोलते हैं, कोलुवियल सॉइल या कोलुवियल मृदा कहते हैं। ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल क्या होता है, ग्लेशियर के पिघलने से लाई गई मृदा। और एलुवियल मृदा क्या होती है, जल द्वारा बहा कर लाई गई मृदा। वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूं, एलुवियल मृदा क्या होती है, एलुवियल मृदा क्या होती है, जल द्वारा बहा कर लाई गई मृदा, जल द्वारा बहा कर लाई गई मृदा एलुवियल मृदा है। ग्लेशियर के पिघलने से लाई गई मृदा ग्लेशियल सॉइल है। गुरुत्व द्वारा लाई गई मृदा, गुरुत्व द्वारा लाई गई मृदा कोलुवियल मृदा है। और हवा द्वारा लाई गई मृदा इओलियन मृदा है। तो कहने का मतलब है कि निर्माण के आधार पर मृदा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, अपशिष्ट मृदा और वाहित मृदा। क्लियर है। अब यहां पर कुछ पादपों के नाम लिख रखे हैं, पादपों की कुछ कैटेगरी लिख रखी है। देखो, हेलोफाइट, ऑक्सेलोफाइट, सेमोफाइट्स, कैस्मोफाइट और लिथोफाइट्स। ठीक है, अब ये क्या है, हेलोफाइट, जैसे कि नेम शो कर रहा है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। हेलो का मतलब क्या होता है, सॉल्ट। ऐसे पादप जो लवणीय मृदा में उगते हैं, है ना, लवणीय मृदा, ऐसे पादप जो लवणीय मृदा में उगते हैं उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। बड़ा सिंपल सा है, लवणोद्भिद पादप भी कह सकते हो आप। ऐसे पादप जो लवणीय मृदा या सॉल्टी सॉइल या सेलाइन सॉइल के अंदर उगते हैं उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। ऑक्सेलोफाइट, ऑक्सेलोफाइट क्या होते हैं, ऐसे पादप जो अम्लीय मृदा में उगते हैं। किसमें उगते हैं भाई, अम्लीय मृदा में। ऐसे पादप जो अम्लीय मृदा के अंदर उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज, इनको हम ऑक्सेलोफाइट्स कहते हैं। सेमोफाइट्स की यदि बात करते हैं तो प्लांट्स ग्रोइंग इन सैंडी सॉइल, रेतीली मृदा में जो उगते हैं उनको सेमोफाइट्स कहते हैं। रेतीली मृदा, समझ में आ रहा है ना, ये क्या कहा, सैंडी सॉइल का मतलब क्या है, रेतीली मृदा के अंदर जो उगते हैं उनको सेमोफाइट्स कहते हैं। कैस्मोफाइट्स की यदि मैं बात करूं तो प्लांट्स ग्रोइंग इन रॉक सर्विसेज, रॉक सर्विसेज का मतलब क्या होता है समझते हो, चट्टानों की दरारों के अंदर जो ग्रो करते हैं उनको कैस्मोफाइट कहते हैं। ठीक है ना, प्लांट्स ग्रोइंग इन रॉक सर्विसेज। और लिथोफाइट्स, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स, चट्टानों पर उगने वाले क्या होते हैं, लिथोफाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट्स की कुछ कैटेगरीज है, लवणीय मृदा में ग्रो करे तो हेलोफाइट, अम्लीय मृदा में ग्रो करे तो ऑक्सेलोफाइट, रेतीली मृदा में ग्रो करे तो सेमोफाइट, चट्टानों की दरारों में ग्रो करे तो कैस्मोफाइट, और चट्टानों पर उगने वाले हो तो लिथोफाइट। आर यू गेटिंग ऑन, ये भी आप लोग ध्यान रखें। अब याद रखो कि मृदा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहां पर मैंने एक पॉइंट लिख रखा है, पौधों तथा जंतुओं के लिए मृदा प्राकृतिक आवास है। आप सभी जानते हैं कि पौधे जो होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे जो होते हैं वो सब मृदा में उगते हैं, और कई सारे जंतु जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, कई सारे जंतुओं के लिए भी मृदा एक प्राकृतिक आवास है। दूसरा पॉइंट यदि देखें तो जीवधारियों को मृदा से जल व खनिज लवण प्राप्त होते हैं। आप सभी जानते हैं कि जितने भी जीवधारी होते हैं उनको मृदा से जल और खनिज लवण क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और विभिन्न स्थानों की मृदा की प्रकृति व गुण में भिन्नता होती है।
हर जगह पर मिलने वाली मृदा की प्रकृति और गुण एक जैसी नहीं होगी। आप भारत के अंदर भी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जाएंगे तो अलग अलग स्थानों के ऊपर अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में आप देख सकते हो कि उनकी प्रकृति और गुण में भी क्या होगी, भिन्नता होगी। तो जीवधारियों को मृदा से जल व खनिज लवण प्राप्त होते हैं, इसलिए जीवधारियों के लिए मृदा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विभिन्न स्थानों की जो मृदा की प्रकृति है व गुण है उसके अंदर भी बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। और ये जो विभिन्न स्थानों पर मृदा की प्रकृति व गुण में भिन्नता देखने को मिलती है वो क्यों होती है, तो यह निर्भर करती है किसके ऊपर। ये जो प्रकृति और गुणों के अंदर जो भिन्नता है, यह भिन्नता वातावरण के कारण हो सकती है, यह भिन्नता वातावरण के कारण हो सकती है। चट्टानों के अपक्षय की प्रक्रिया किस प्रकार की है, वॉट इज द विदरिंग प्रोसेस, उसके ऊपर निर्भर कर सकती है। मृदा का निर्माण कैसे हुआ, मतलब कि मृदा अपशिष्ट है या वाहित है, मृदा का निर्माण कैसे हुआ, मृदा का निर्माण कैसे हुआ मतलब मृदा अपशिष्ट है या वाहित है, इन सब के ऊपर मृदा की प्रकृति और गुण जो है वो निर्भर करता है। आर यू गेटिंग? तो ये तो बेसिक चीजें हुई। अब हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ते हैं कि मृदा कण, मृदा के कितने स्तर होते हैं, मृदा के कणों की साइज कितनी होती है, मृदा का जो संगठन है वो कैसा होता है, वो भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। नो, मृदा के संस्तरों की बात करें, हॉरिजोन की बात करें, मतलब मृदा के स्तरों की बात करें, तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ यदि चलता हूं, ऊपर से नीचे की तरफ यदि मैं चलता हूं, तो मुझे सबसे पहले ओ हॉरिजोन देखने को मिलता है। ओ हॉरिजोन, राइट, ओ हॉरिजोन। इसमें से ये जो ये वाला जो है, ये वाला स्तर, इसको तो बोलते हैं O1, और ये वाला जो स्तर है इसको बोलते हैं O2, राइट। तो ओ हॉरिजोन कितने भागों से मिलकर बना है, दो भागों से, O1 और O2। ये जो O1 है इसमें क्या है, अपघटित कार्बनिक पदार्थ है। यहां पर क्या है, अपघटित कार्बनिक पदार्थ है, जो ये पेड़ों की पत्तियां वगैरह, जो फ्रेशली फॉलन लीव्स वगैरह, ट्विक्स वगैरह, जो टहनियां पत्तियां वगैरह गिर जाती है, वो यहां पर पाई जाती है मृदा के अंदर। तो यहां पर क्या है, O1 हॉरिजोन के अंदर, ओ हॉरिजोन के O1 भाग में अपघटित कार्बनिक पदार्थ, अनडिकम्पोज्ड कार्बनिक पदार्थ है, मतलब फ्रेशली जो कार्बनिक पदार्थ गिरा है, फ्रेश कार्बनिक पदार्थ गिरा है, जैसे पत्तियां हैं, टहनियां वगैरह है, वो सब यहां पर उपस्थित है, अपघटित कार्बनिक पदार्थ होता है। इसको बोलते हैं लिटर, इसको क्या बोलते हैं भाई, लिटर। दूसरा, इसके थोड़ा सा नीचे की तरफ आए तो O2 स्तर जो है, ओ हॉरिजोन का, ओ संस्तर का जो दूसरी लेयर है, O2 स्तर, यहां पर आप देखोगे तो आंशिक रूप से, ध्यान दीजिएगा, आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थ होगा। यहां तो अपघटित कार्बनिक पदार्थ था, यहां पर आंशिक रूप से अपघटित, आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थ है, और इसको क्या बोलते हैं, डफ कहते हैं। तो जो अपघटित कार्बनिक पदार्थ है वो लिटर है, और वो O1 स्तर के अंदर पाया जा रहा है। आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थ है जिसको कि डफ कह रहे हैं, वो O2 स्तर में पाया जा रहा है, और O1 और O2 दोनों को मिलाकर ओ हॉरिजोन कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके नीचे क्या है, इनके नीचे, ओ हॉरिजोन के नीचे क्या होता है। तो ओ हॉरिजोन के नीचे यदि तुम देखोगे तो A1 और A2 स्तर है, और A1 और A2 को मिलाकर क्या बोल देते हैं हम लोग, ए हॉरिजोन। समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर? ये वाला जो है ना, ये A1 है, ये A1 है, राइट, और ये वाला जो स्तर है, ये वाला स्तर, ये क्या चीज है, A2 है, और A1 और A2 दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं, ए हॉरिजोन कहलाते हैं। अब यहां पर देखो, ए हॉरिजोन में क्या, पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ, इसके ऊपर क्या था, आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ था जिसको कि डफ कहा था। अब A1 स्तर के अंदर पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ है, और A2 के अंदर क्या, मिनरल पार्टिकल्स प्लस कम मात्रा में ह्यूमस भी है। यहां पर क्या है, A2 में क्या है, मिनरल पार्टिकल्स है और कम मात्रा में ह्यूमस भी है, क्लियर है। A1 के अंदर पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ होता है जिसको कि ह्यूमस कहते हैं, पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ यानी कि ह्यूमस है, और A2 के अंदर मिनरल पार्टिकल भी है, ह्यूमस भी होता है, लेकिन कम मात्रा में ह्यूमस होता है, ठीक है। और अब A1 और A2 जिसको कि हम A हॉरिजोन बोल रहे हैं, उसके नीचे की तरफ यदि बढ़ोगे तो कौन सा ओरिजिन आएगा, B हॉरिजोन आएगा, और B हॉरिजोन के अंदर केवल और केवल मिनरल पार्टिकल है। तो समझो, B हॉरिजोन के अंदर केवल मिनरल पार्टिकल है, A हॉरिजोन के A2 में मिनरल पार्टिकल और थोड़ी बहुत मात्रा में ह्यूमस है, A हॉरिजोन का जो A1 स्तर है उसमें पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ यानी कि क्या है, ह्यूमस है। तो ये
कौन सा हो गया? बी हॉरिजोन, जिसमें केवल मिनरल पार्टिकल है। अब ध्यान से सुनना, ओ हॉरिजोन से लगाकर बी हॉरिजोन तक, मतलब यहां तक, ओ हॉरिजोन से लगाकर बी हॉरिजोन तक, यानी कि ओ संस्तर से लगाकर और बी संस्तर तक की जो मृदा होती है उसको टॉप सॉइल कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज टॉप सॉइल, यहां से यहां तक का जो भाग है इसको टॉप सॉइल कहते हैं। और इसके नीचे आएंगे, बी ऑरिजोन के नीचे आएंगे तो सी संस्तर आएगा। यहां पर अपूर्ण रूप से टूटे हुए मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, यहां पर अपूर्ण रूप से टूटे हुए, अपूर्ण रूप से टूटे हुए क्या होते हैं? मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, अपूर्ण रूप से टूटे हुए, राइट, यानी कि पार्शली टूटे हुए, अपूर्ण रूप से टूटे हुए मिनरल पार्टिकल्स होते हैं सी हॉरिजोन के अंदर। और आर हॉरिजोन के अंदर, आर हॉरिजोन के अंदर बिना टूटी हुई क्या पाई जाती है? चट्टानें पाई जाती है। आर हॉरिजोन के अंदर बिना टूटी हुई चट्टानें पाई जाती है। सी हॉरिजोन के अंदर अपूर्ण रूप से टूटे हुए मिनरल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। बी हॉरिजोन के अंदर केवल मिनरल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, क्लियर। और सी हॉरिजोन और आर हॉरिजोन को, सी हॉरिजोन और आर हॉरिजोन को मिलाकर हम सब सॉइल कहते हैं। तो ये वाला जो भाग है ये तो हो गया कौन सा? सब सॉइल। और ये वाला जो भाग है, मृदा का जो ऊपरी स्तर है, इसको हम क्या कहते हैं? टॉप सॉइल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई? टॉप सॉइल, क्लियर है। अच्छा, अब हम आते हैं कि एक अच्छी मृदा की का संगठन कैसा होता है। एक अच्छी मृदा का संगठन किस प्रकार का है, मतलब अच्छी मृदा के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती, क्या क्या घटक पाए जाते हैं। तो अच्छी मृदा के अंदर मिनरल पार्टिकल्स पाए जाते हैं 40% के करीब पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ फॉर ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ फॉर ह्यूमस ये 10% के करीब होता है। मृदा वायु, अच्छी वातन वाली जो मृदा होती है वो हमेशा ही अच्छी होती है, मृदा वायु 25% होती है। मृदा जल 25% होता है। मृदा जीव भी तो होते हैं भाई, मृदा के अंदर कई सारे जीव भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, जैसे कि कवक, जैसे कि एनिलिडा, जैसे कि मोलस्का इत्यादि। तो ये सब एक अच्छी मृदा के कंपोनेंट्स हैं, मतलब दीज आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ गुड सॉइल। एक अच्छी मृदा के जो कंपोनेंट्स है उसमें मिनरल पार्टिकल्स है 40%, कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस है 10%, मृदा वायु 25% है, मृदा जल 25% है, मृदा जीव यानी कि बैक्टीरिया, कवक, एनिलिड्स, मोलस्क एक्सेट्रा ये भी उसमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो ये भी, इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। साथ के साथ एक और चीज मैं बता दूं, किसी भी क्षेत्र की वनस्पति, किसी क्षेत्र की वनस्पति किस पर निर्भर करती है? किसी क्षेत्र की वनस्पति मृदा के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करती है। कैसे? किसी क्षेत्र की वनस्पति इस बात के ऊपर निर्भर करेगी कि वहां पर पीएच क्या है, सॉइल का पीएच क्या है। जैसे पीएच होगी वैसे क्या होंगे? वनस्पति होगी वहां पर, ठीक है ना। तो पीएच ऑफ सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो किसी क्षेत्र की जो वनस्पति है वो बहुत सारे पैरामीटर्स पर निर्भर करती है। किसी क्षेत्र की वनस्पति बहुत सारे पैरामीटर्स पर निर्भर करती है, जैसे मृदा का पीएच, जैसे कि मिनरल कंपोजिशन, मृदा के अंदर मिनरल्स का संगठन कैसा है, मिनरल कंपोजिशन कैसा है, राइट। वहां की टोपोग्राफी, वहां की जो स्थलाकृति है, टोपोग्राफी है, वो कैसी है। आप देख सकते हो पहाड़ों के ऊपर जो है वो वनस्पति अलग होती है, मैदानी इलाकों के अंदर अलग होती है। तो टोपोग्राफी, यदि टोपोग्राफी समतल है, स्थलाकृति यदि बिल्कुल कैसी है, बिल्कुल मैदानी इलाका है, राइट, तो वहां की वनस्पति अलग होगी। पहाड़ों पर होगी तो वनस्पति क्या होगी? अलग होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी क्षेत्र की वनस्पति किन बातों पर निर्भर करती है? किसी क्षेत्र की वनस्पति पीएच ऑफ सॉइल पर निर्भर करती है, वहां पर सॉइल के अंदर मिनरल कंपोजिशन कैसा है उस पर निर्भर करती है, और वहां की जो स्थलाकृति है, वहां की जो टोपोग्राफी है, उसके ऊपर भी निर्भर करती है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, जैसी वनस्पति होगी उस वनस्पति के अकॉर्डिंग ही वहां पर क्या होंगे? जीव होंगे। जैसी वनस्पति होती है उसके अकॉर्डिंग ही वहां के जीव होंगे। जीव का मतलब क्या है? एनिमल्स, मतलब वहां पर जंतु होंगे। जैसी वनस्पति वैसे क्या है? जंतु होंगे। ये भी आप लोगों को बात याद रखनी है। अच्छा, हर एक मृदा की अलग अलग करेक्टरिस्टिक होती है, हर एक मृदा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हर एक मृदा की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे कि सैंड की बात करें, यदि हम बालू रेत की बात करते हैं, सैंड की बात करते हैं, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत बहुत क्या है? कम है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बहुत कम है। आर यू गेटिंग? जबकि चिकनी मृदा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी चिकनी मृदा या क्ले की है, और सबसे कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो किसकी होती है? डेट इज सैंडी सॉइल की। जैसे मान लीजिए राजस्थान की बात करते हैं, मान लीजिए राजस्थान के अंदर बाड़मेर, जैसलमेर वगैरह, वहां पर थोड़ी सी भी बारिश आ जाती है, थोड़ी सी भी बारिश आ जाती है तो पानी नीचे नहीं जाता है। एक बार अभी 8-10 साल पहले
बाड़मेर एक जगह है राजस्थान के अंदर, वहां पर बाढ़ आ गई तो मतलब थोड़ी सी बारिश हुई, कभी उस रेगिस्तानी इलाके के अंदर बारिश हुई नहीं थी, लेकिन एक रात ऐसी बारिश हुई कि एक एक दो दो मंजिल पानी भर गया। उसका कारण क्या था कि मृदा सैंड है वहां पर, बालू रेत है, तो मिट्टी में पानी नीचे परकोलेट होकर तो जा ही नहीं रहा है, आप समझ पा रहे हो, परकोलेशन जो है वो तो हो ही नहीं रहा है, नीचे तो जा ही नहीं रहा है, तो वो पानी कहाँ पर होगा, ऊपर इकट्ठा रहेगा। बारिश बंद हो गई वहां पर तो भी वहां पर एक एक डेढ़ डेढ़ महीने तक पानी जमा रहा, फिर उसको मोटर पंप के सारे पानी को बाहर निकाला गया। तो याद रखना कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो चिकनी मृदा की बहुत ज्यादा होती है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंड की क्या होती है, बहुत बहुत कम होती है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि सबसे फर्टाइल मृदा जो है, सबसे फर्टाइल मृदा, सबसे उपजाऊ मृदा किसको माना गया है, तो डूमट मृदा को माना गया है, डूमट मृदा को माना गया है, लोमी सॉइल को माना गया है। लोमी सॉइल किसके मिश्रण से बनी है, 50% चिकनी मृदा, 50% क्ले, प्लस 50% सैंड और स्लेट और बोथ, राइट। 50% तो क्या है, चिकनी मिट्टी है, और 50% बालू रेत या सिल्ट, सिल्ट मतलब गाद, या दोनों से मिलकर क्या है बनी है, तो 50% क्ले प्लस 50% सैंड और सिल्ट या दोनों से मिलकर क्या है ये बनी है। तो लोमी सॉइल डूमट मृदा को सबसे उपजाऊ मृदा माना गया है, ठीक है। अच्छा, अब जब भी हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ते हैं तो हमको अलग अलग प्रकार की मृदाओं का ध्यान होना चाहिए, अलग अलग प्रकार की मृदा और उनके कणों का अभ्यास भी मालूम होना चाहिए। आर यू गेटिंग, अलग अलग प्रकार की मृदा का प्रकार और कणों का अभ्यास भी मालूम होना चाहिए। जैसे चिकनी मृदा है, चिकनी मृदा यानी कि चिकनी मिट्टी है, क्ले सॉइल है, तो उसके कणों का व्यास 0.002 mm से भी कम होता है, 0.002 mm से भी कम होता है, बिल्कुल चिकनी होती है, आपने देखी होगी। सिल्ट गाद, तो क्ले के बाद यदि देखोगे तो सिल्ट आता है, सिल्ट के कणों के जो व्यास होगा वो 0.002 से 0.02 mm के करीब होता है, मतलब कि यहां पर देखो 0.002 से 0.02 mm के करीब होता है, क्लियर, सिल्ट का गाद का जो साइज है। फिर फाइन सैंड, बारीक बालू रेत की यदि बात करते हैं, 0.02 से 0.02 mm के करीब ये बारीक बालू की साइज होती है, कणों की साइज होती है। कोएर्स सैंड की बात करें, मोटी बालू की बात करें, तो उसकी साइज होती है 0.2 से 2 mm के करीब, 0.2 से 2 mm के करीब। और ग्रेवल की बात करें, या जो स्टोन है, छोटे स्टोन कण होते हैं, राइट, ग्रेवल की बात करें तो उनकी कितनी है, 2 mm से क्या है, ज्यादा है, 2 mm से ज्यादा है। ग्रेवल मोटी रेत जिसको कि कहते हैं ना बजरी जैसी, तो वो 2 mm से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्ले की कणों की साइज सिल्ट से कम होती है, सिल्ट के कणों की साइज फाइन सैंड से कम होती है, फाइन सैंड के कणों की साइज कोएड सैंड से कम होती है, कोएड सैंड के कणों की साइज ग्रेवल से क्या होती, कम होती है। ये सीक्वेंस यहाँ पर बता रखा है, तो आपको कणों का व्यास भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है परीक्षा के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इज इट क्लियर नॉट। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये पढ़ाने की कोशिश की कि मृदा कितना इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है। मैंने अभी 3 इकोलॉजिकल फैक्टर और भी हैं जिनके ऊपर वीडियोज में बना चुका हूँ, और वो आपने देखा होगा, मैंने अलग से टेम्परेचर के ऊपर, लाइट के ऊपर और वाटर के ऊपर भी जो एबायोटिक फैक्टर्स थे उनके ऊपर वीडियो बना रखे हैं, उनको भी जरूर देखिए। और आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने सॉइल के ऊपर जो वीडियो बनाया है वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, उसको भी देखिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं जल्द एक और वीडियो लेकर आऊँगा इकोलॉजी के ऊपर, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अलविदा, जय हिंद।